हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीकेंड तड़का बाय ईशा बख्शी। फ्रेंड्स, आज वीकेंड तड़का आप सबके लिए लेकर आए बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में बनने वाली ये बर्फ़ी। फ्रेंड्स, तो आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 बॉल बेसन लिया है और साथ ही में मैंने 1 बॉल शुगर ली है। फ्रेंड्स, शुगर को हम मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे और अगर आपको मीठा कम खाना पसंद है तो आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 1 कप देसी घी डाला है और 1 बॉल मैंने इसमें डाल दिया है बेसन। फ्रेंड्स, घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो हम उस घी के अंदर ये बेसन डाल देंगे और बेसन को अच्छे से हम हिला लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहें इसमें। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रख के ये बेसन को रोस्ट करेंगे ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल भी जले ना, और अच्छे से हम इसको हिलाते रहेंगे। 15 to 20 मिनट्स में बेसन अच्छे से रोस्ट हो जाएगा और हमारी बर्फ़ी भी रेडी हो जाएगी। तो अच्छे से हम हिला लेंगे। इतनी देर मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से चॉप्ड करके रेडी करके एक प्लेट में रखा है। आप ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बेसन जब अच्छे से हो जाएगा रेडी, रोस्ट हो जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। फ्रेंड्स, तो ये मैंने तकरीबन 10 मिनट्स के बाद ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। फ्रेंड्स, अक्सर ये सर्दियों में खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो आप ये रेसिपी बेसन की बर्फ़ी आप घर में बना के स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनती है ये बर्फ़ी, तो कोई बुज़ुर्ग भी इसे आराम से ईजिली खा सकता है। फ्रेंड्स, और हमारी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इतने में हम इसमें डालेंगे, प्लेट लेंगे जिसमें हमें बर्फ़ी जमानी है, घी लगा लेंगे अच्छे से, और इतनी देर में मैंने चीनी को भी ग्राइंड कर लिया है और हम अपनी कढ़ाई में फिर से वापस आएंगे और उसको हिलाएंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं हमारा बेसन जो है अच्छे से रोस्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो गई है। जब खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी। फ्रेंड्स, चीनी डालने के बाद आप सब देखेंगे कि जब हम इसे हिलाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। अच्छे से हम इसको मिक्सअप कर लेंगे, अच्छे से चीनी अच्छे से बेसन में मिल जाएगी, तो जो हमारी ये बेसन की बर्फ़ी है थोड़ी हार्ड हो जाएगी। फ्रेंड्स, और अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गरम गरम मिक्सचर को ही हम प्लेट में जमाने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, और अच्छे से हम एक प्रेस कर लेंगे इसे ताकि ये जो हमारी बेसन की बर्फ़ी है वो पूरी तरह से पूरी प्लेट में अच्छे से जम जाए। हम इसे पूरे अच्छे से फैला देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और 1 घंटे के लिए हम इसको सेपरेटली रख देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है बर्फ़ी। हमने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ना डालकर अंदर ही ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और 1 घंटे के बाद हम नाइफ़ की हेल्प से इस बर्फ़ी को शेप दे देंगे और इजीली हमारी बर्फ़ी आराम से प्लेट में से निकलती जाएगी। नाइफ़ की हेल्प से ही हम इसे निकालेंगे भी और सर्विंग ट्रे में हम इसे सर्व करेंगे। तो हमारी बेसन की बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। फिर देर किस बात की, आप सब भी ये रेसिपी ज़रूर बनाना और अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स।